हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, इधर जो है सुबह के 8:30 बजे है। आज जो है थोड़ी सी थकान के वजह से, एक तो संडे हो गया और कुछ रात तक लेट तक काम करा, साफ सफाई का, तो थोड़े थक गए थे तो लेट आ चुके। इधर जो है बच्चों के नाश्ते की तैयारी चल रही। बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊंगी मैं नूडल्स, होममेड नूडल्स। इसमें मैंने इसके लिए सबसे पहले एक आलू फ्राई कर दिए ताकि ये अच्छी तरीके से बन जाए, क्योंकि नूडल्स जो है बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो फिर उसमें आलू जल्दी से गलते नहीं। तो सबसे पहले तो मैंने फ्राई कर दिए और टेस्ट भी अच्छा हुआ। और अब इसमें इधर टमाटर प्याज छोक के लिए लगा लिया और अब इसमें तड़का लगाएंगे। जी करो बेटा, गगन भी आ चुका है, ये भी बहुत बड़े जिम्मेदारी का काम निभा रहा है, आजकल काफी बिजी चल रहा है। और नाश्ता पानी कर लिया भाई, हैं? टाइम नहीं है। इतना बिजी है जो आप भी देने का टाइम नहीं है उसको पानी देने का, क्योंकि हमारे यहाँ ना अमावस्या को देवताओं की पूजा होती है, तो 3 साल प्रारंभ दिया है, तो उसकी तैयारियों में लग रही है। देव वहाँ पे कुल देवताओं के पास साफ सफाई कर रही है, फर्श टूट रहा है, उसे जो है उसे अच्छे तरीके से बनवा रही है दोबारा से। और ये देखो तेल तो गर्म है, चाय जो है गुड़गुड़ा बढ़ा दी है पहले ही फ्राई कर फल के काम की, और चमे इसलिए बढ़ा ली ताकि सब खा दे जाए तो ऐसा वो है गुंजाइश ही पड़ जाओ दोपहर को, जब तक खड़ा बने तब तक ये भूखे ना रह जाए, वरना बिस्किट वगैरह खा देना इतनी जल्दी भूख लग जा, फिर ये जल्दी करने लग जाए तो भूख लग गई। क्या बनाया आपने? और ये बड़ी कढ़ाई ना डेढ़ सौ लग जाए, चलो चले चूल्हे को तो आराम से चूल्हा होता है। वैसे होममेड नूडल्स बनाने का ये फायदा हो गया कि बहुत इजीली नाश्ता बन जाता है, आराम से और सब चीज बनकर खा भी लेगा, एक दो जनों को छोड़ जाए। और उसका पराठे चावल वो ऐसी चीजें बहुत कम खा रहे, मर्जी की बात है उसकी। डाल देते हैं पराठा, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, पाउडर चाचा जी का बाउन दीपावली पे एक आओ छोटी सी वाली हो, ये आलू फ्राई कर दे और देखो एक खिचाई में भुने मसाले और इसमें ये आलू भी डाल देती हूँ फ्राई किए हुए। और जो इसमें गोभी मटर वगैरह डाल के बना लेना, ये बहुत टेस्टी लगेगी, हरी सब्जियाँ डाल दें। सेम ही पहले पके कर ना, पहले तो पानी में जो डाला जाएगा ना, फिर इसमें एक नूडल्स डाल देंगे और बस बढ़ जाते हैं। यार एक भाग में ही क्या खा गया, आप बताओ क्या खा गए, मेरे से क्या पूछ रहे हैं? अच्छा जरा खाओगे नमक के जब नहीं नूडल्स खा लेंगे खा लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो पैन से कर दिया, देखो पानी हमारा पक चुका है, किस तरीके से उबाल आ गया, और हम इसमें डाल देते हैं ऑनलाइन नूडल्स। अब बस पेड़ सबको फटाफट से नाश्ता करवा के फिर लग गए हम अपने काम में साफ सफाई के, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन रह रहा और ऊपर सिर्फ एक ही कमरा हुआ था, किचन रह रही थी, अभी बहुत काम है भाई। और अगर आपका टाइम लगे आप यहाँ भी आ जाना थोड़ा सा आज बटाने, आज संडे है, ऐसे हमारे मन आज के दिन संडे रख रखा संडे, हाँ वो तो है, मन ने रखा ना। तो अभी से थोड़ी देर में बनकर तैयार, 5 मिनट का नाश्ता, जैसे मैगी करते हैं ना 2 मिनट में, ये हमारे 5 मिनट। क्या बात होगी मेरे बेटे नंदू की, ऐसे उदास के बैठा बबली मम्मी ने ना कंप्यूटर देखना बंद कर रखा, आज आप टीवी नहीं चला दे रहे, अरे झूला भी नहीं झूल सकते, दो गाड़िया है, एक पीछे और एक आगे। ये
तो भारी समस्या आ गई, करे तो क्या करे, संडे का दिन है। साइकिल चलाते चलाते बोर हो जाएंगे। तो जी ये तो बच्चों के संडे वाले दिन की ढेर भारी समस्या है। और स्कूल का काम कर लो तो कैसा आइडिया है? स्कूल का काम तो बाद में कर लेंगे ना। बाद का तो कुआ करा है, वो बात तो कभी आती नहीं बेटा। जो बाद कब हुआ है मुझे तो बता दो, कल से तो आ जा ली। और आज से कब करोगे बाद, या बाद कब हुआ होगी, कल को जब स्कूल में जाओगे हैं? ये देखो कैसा हो रहा है इनका हिसाब किताब, ये तो इतने बोर हो रहे हैं आज संडे के दिन। इनकी तो संडे की भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। मम्मी। हाँ जी। बताओ, गाड़ी का हैंडल टूट रहा, गाड़ी भी नहीं चला सकते, बहुत भारी समस्या है बच्चों के साथ, क्या करें। तो फ्रेंड्स इधर जो है हमने अब तक दो कमरे तो गुड्डू ने अपना रूम साफ कर दिया, बबली दीदी ने अपना रूम साफ कर दिया, चिंकी ने अपना रूम साफ कर दिया, और अब वे दीदी चली गई है घेर में खाना बनाने के लिए, क्योंकि दो दिन से यहाँ काफी काम फैला रहता है ना, तो घेर में खाना बना लेते हैं तो फिर यहाँ से डिस्टर्ब नहीं होता। और बस किचन रह जाएगी कल के लिए। आज अब मुझे जो है ये वाला कमरा साफ करना है, स्टोर रूम तो मैंने साफ कर दिया था, अब ये डस्टिंग करके बाहर वाले कमरे में सेट करना सारा सामान और साफ सफाई करनी। इधर जो है आज बरामदे के पर्दे उतार दिए और इन्हें भी धुल दिए, ऊपर वाले रूम के पर्दे भी धुल दिए। तो सुबह से जो है 9 बजे से मशीन लगी हुई है, और इधर देखो 1 बजने वाला हो रहा, और अभी तक सिर्फ कपड़े कपड़े धुले हैं। तो चलो भाई अब फाइनल हो गया कपड़ों का काम, और ये कपड़े मुझे छत पर फैलाने हैं सबसे ऊपर, क्योंकि नीचे कहीं जगह नहीं रही, और बीच वाले पोर्शन पर भी देखो सारे पे कपड़े फैल गए, तो नीचे भी यहाँ पे भी कोई जगह नहीं, सबसे ऊपर वाला खाली है, तो वहां पे इन कपड़ों को फैला के आऊंगी। तो चलो पहले इन्हें कपड़ों को फैला देती हूँ, जब तक कमरे में क्लीनिंग करूंगी ना तब तक ये सूख जाएंगे, फिर इन्हें सेट कर देंगे पर्दों को। बरामदे के भी करोगे? हाँ, कर खत्म कर रहे थे। भूस वाले के भी करोगे? करोगे क्या उसके भी पर? नंदू घर में ही आती होगा उसकी? नहीं आ गई थी, वो ऊपर होगी। ऊपर किसके पास है? कोई भी नहीं है। गुड्डू नहीं है ऊपर। वैसा तो देखो जल्दी जल्दी करते रहती, इतना लगना हो जा, मुझे मकान में यही दिक्कत है, लोड बहुत ज्यादा है। मम्मी नंदू कहाँ है? आपको पता होगा? नहीं, घर में नहीं है। ओह कहाँ गई नंदू? फटाफट ऊपर देख का, उसकी भारी समस्या चल रही थी आज, ना उसे कोई टीवी देखने दे रहा, ना उसे खेलने दे रहा, ना उसे झूलने दे रहा, तो करे तो क्या करेगा बेचारी। गेट पे भी जाला लग रहा, सब चढ़ जाएंगे अब जा। और सबसे ज्यादा पता करना कौन करे, ठीक कर लिया ये पट्टियां ना, इतनी मर्जी करती बहुत ज्यादा। तो फ्रेंड्स कल ना शाम को मैं जल्दी सो गया था 10 बजे से पहले ही, और क्योंकि कल ना तो घर ज़्यादा देर तक बात की, थोड़ी देर तक ही करी थी, और ना रात में फ़ोन ज़्यादा देखा मैंने, फ़ोन साइड में रख के जल्दी सो गया था। तो सुबह मेरी आँख खुली आज 3 बजे, और 3 बजे से मैं आज सुबह तक पढ़ रहा था 7 बजे तक। आज कुछ मन खुश हुआ कि अलग कमरा लेके आ, कुछ फ़ायदा हुआ और पढ़ाई हुई है आज।
लेकिन जल्दी उठने था, एक ये महसूस हुआ कि भूख भी आज जल्दी लगी, ज़्यादा सुबह का उठा हुआ हूँ तो फ्रेश होने चला गया था सुबह ही, फिर पढ़ाई करता रहा, बैठे बैठे भूख लगी। कुछ नाश्ता पानी बनाओगे, खाना तो बनाओगे बाद में, लेकिन आज कपड़े भी धोने। एक तो मुझे सुबह जल्दी मैंने कपड़े भी भिगा दिए बाल्टी में अपने, बहुत बढ़िया सुविधा है यहाँ। देखो टंकी बाहर भी लगी हुई है और इसी में पानी में सर्फ घेर के कपड़े मैंने भिगा दिए थे, यहाँ बैठ के भी कपड़े धो सके, बाथरूम में भी धो सके। सुखाने के लिए भी छत पर जाना चाहो रस्सी बंध रही ऊपर, नहीं तो यहाँ पाइप पर डाल दें, यहाँ भी सूख जाओ कपड़े। कपड़े धोने के अलावा आज और भी काम है कई सारे। देखो इनमें से कुछ तो सामान जो किचन के बर्तन थे तो मैंने किचन में ले जाकर रख दिए, लेकिन बाकी इन दो बैग में तो है मेरे कपड़े और इन दोनों में है किताबें। किताबें निकाल के आज व्यवस्थित करूँगा बढ़िया तरह, जौन सी पढ़ने की वे तो उस बेंच पर रख लूँगा और जौन सी एक्स्ट्रा है फिर रख दूँगा इस अलमारी में। कपड़े भी इस अलमारी में रखूँगा, अलमारी में सबसे नीचे तो मैंने इस बोरे में रख दिया था सर्दियों का जो कंबल है सर्दियों में ओढ़ने वाला। बाकी इस अलमारी में अभी अखबार लगा के अच्छी तरीके से और तब सामान रखूँगा मैं। कई खाने हैं इसमें, 1 2 3 4 5, और इसके ऊपर मैंने अपना कुछ वैसा सामान रख दिया था, पुराना पंखा वगैरह है। आज अगर इतना सामान मेरा जो व्यवस्थित हो जाए तो इसके बाद ये आसन है एक लाया था फोल्ड करके डाल रखा, आसन को रख दूंगा इधर मंदिर के सामने, नहा धो के जब पूजा करते हैं तो मंदिर के सामने बैठ के भगवान का थोड़ा सा ध्यान कर सकें। कमरे में और भी जो चीज़ें हैं, देखो एक मेरा ये मेज का कवर भी है, मेज का कवर इस पर मेज पर डाल दूंगा और तभी वो सामान भी सारा ठीक ढंग से लगाया जाएगा। इनकी शुरुआत आज इन्हीं कामों से होगी, कपड़े सबसे पहले धोंगे फिर कमरे में सामान व्यवस्थित करेंगे। जब तक उधर कपड़े भिगा रखे मैंने तब तक किचन में थोड़ा सा काम शुरू कर दिया, मैंने छोले उबलने रख दिए, रात छोले भिगाए थे और कुल का बढ़िया हो गई है। और एक आलू काट के डाल दिया इसमें, कुकर में चढ़ा दिए, हल्दी नमक मिर्च इसमें डाल दिया और कुकर गैस चालू करके इसे बंद करके रख दूंगा, पहले ही ना उबाल देंगे और जब तक ये उबलेंगे तब तक मेरे कपड़े धो जाएंगे, उसके बाद तड़का लगाऊंगा इसमें। फ्रेंड्स 5-6 सीटियाँ लगवा दी कुकर में मैंने और उबल गए होंगे चूल्हे मेरे, थोड़ा सा इसमें जो आलू है ना इन्हें मैश कर दूँ तो ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी सी हो जाएगी, और तड़का लगाने के बाद मैंने प्याज और टमाटर काट लिए थे। फ्रेंड्स आलू इसमें बढ़िया से मैश कर दिए मैंने, और अब तड़का लगाने के लिए कुकर चढ़ा दिया, इसमें तेल डाल दिया, थोड़ा सा डाल देता हूँ जीरा, तेल भी जैसा गर्म हो रहा था जीरा भी जल्दी चटक जाएगा, प्याज भी थोड़ा सा पक गया इसमें, और अभी इसमें डाल देंगे भाई टमाटर के साथ मैंने मसाला धनिया सौंफ पाउडर ये सब ले लिया था, हल्दी और तेल डाल दिया। तो फ्रेंड्स ग्रेवी बढ़िया से पक गई और मसालों में तेल छोड़ दिया, देखो तो अब इसमें डाल देते हैं अपनी सब्जी। तो फ्रेंड्स ऐसी बनी है हमारी ये सब्जी, बस थोड़ा सा और पका देंगे इसे, अभी आँच चली रही इसमें और सिटी तो लगवाऊंगे नहीं, सिटी तो पहले ही लगवा रखी बहुत। मैंने उधर सब्जी बनाई तो कपिल ने आटा गूंथ दिया था और भैया रोटी बेलनी शुरू कर दी, रोटियां सेक देंगे इधर। फ्रेंड्स कपड़े धोकर डाल दिए छत पर रस्सी पर, देखो वहाँ से शुरू है मेरे कपड़े, कुर्ता पजामा है, पैंट शर्ट है, लोअर टी शर्ट है और तौलिया बनियान तक यहाँ तक, और छत पर स्पेस यहाँ भी बहुत सारा है, रस्सियाँ बांध रखी देखो, कई सारे किराएदारों ने मकान मालिक ने कपड़े फैला रखे और छत पर इतने सारे गमले भी रखे, पौधे लगे हुए हैं सब में, तो छत पर आके यहाँ भी कपड़े वपड़े फैला सकें, अच्छा लगे, खुला भी है, शाम को भी आके घूम फिर लें छत पर टहल लें थोड़ा सा, इतनी बड़ी खुली छत कहीं कहीं मिले और ये भी एक अलग ही आनंद है इसका भी। अभी कपड़े फैला के डाल दिए ये और सूख जाएंगे थोड़ी देर में, फिर उतार ले जाऊँगा, इन पर करनी है प्रेस। खाना हमारा तैयार है और सब्जी हमारी ये है और रोटियाँ इसमें है, और चलिए खाना खा लेते हैं बैठ के यहाँ पर।